लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ श्री रामचरण पादुका कार्यक्रम में हुए शामिल, सीएम ने की पूजा अर्चना। लखनऊ में श्री रामचरण पादुका पूजन कार्यक्रम में साधु संतों के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी हुए शामिल, पांच केडी मार्ग आवास पर हुआ कार्यक्रम। मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं तेज प्रताप यादव, सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप के नाम पर परिवार में बनी सहमति, शिवपाल को भी सपा में बड़ी जिम्मेदारी का आश्वासन। मथुरा के वृंदावन गार्डन होटल में लगी आग, दो लोगों की जलकर हुई दर्दनाक मौत, दमकल कर्मियों ने आग पर किसी तरह पाया काबू, कमरे में सोते समय आग की चपेट में आए मृतक। लखनऊ के हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में लगी आग, चौथे मंजिल पर लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी। यूपी के आगरा में टैंकर में घुसी बस, बस में सवार करीब दो दर्जन यात्री हुए घायल, कई की हालत गंभीर, घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के आगरा में एम्बुलेंस पलटी, एम्बुलेंस में मौजूद मरीज की हालत गंभीर, नशे की हालत में बताया जा रहा है एम्बुलेंस चालक। यूपी के बाराबंकी में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा, मलबे में दबने से 52 साल के व्यक्ति की मौत। यूपी के हाथरस में एक ट्रक और कार के आमने सामने टक्कर, कार सवार तीन लोगों की मौके पर मौत, एक अन्य जख्मी। मेरठ का IIMT विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा, विश्वविद्यालय के गेट पर सैकड़ों छात्रों का हंगामा, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर 300 छात्रों की बैक लगाने का आरोप। यूपी में कुशीनगर के जिला अस्पताल की लापरवाही, दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जमीन पर लिटाया, फर्श पर पड़े मरीज के पास घूमता रहा जानवर। यूपी के फिरोजाबाद में हिंदू मोहल्ले में लगे पलायन के पोस्टर, सट्टा माफिया से परेशान है लोग, मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने हटवाए पोस्टर, एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमेठी में मामूली बात पर दबंगों की गुंडागर्दी, दबंगों ने युवक और उसके परिजनों को पीटा, बंदूक लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के जौनपुर में बदलापुर महोत्सव में अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में पथराव और तोड़फोड़, पुलिस से मौके से दो लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के शाहजहांपुर में पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार, परिवार ने दी आत्मदाह की धमकी, पुलिसकर्मी और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के एटा में चोरों ने ATM को गैस कटर से काटा, 26 लाख रुपए लेकर फरार हुए चोर, पुलिस कर रही जांच। यूपी में शाहजहांपुर पुलिस ने अफीम की बड़ी खेप बरामद की, झारखंड से पंजाब जा रही थी 6 करोड़ रुपए की अफीम, पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखनऊ में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के कई लोग पथराव में हुए घायल, फायरिंग के दौरान मौजूद थे लेखपाल और कानूनगो, विवाद बढ़ता देख हुए फरार। यूपी के प्रयागराज में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, दो चरणों में होंगे गुजरात विधानसभा चुनाव। गुजरात विधानसभा चुनाव में 1 और 5 दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ आएंगे नतीजे। गुजरात विधानसभा चुनाव में 89 सीट पर 1 दिसंबर को होगी वोटिंग, जबकि 93 सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग। गुजरात चुनाव में इस बार 51,782 पोलिंग स्टेशन, कोरोना पीड़ितों के लिए घर से मतदान की होगी सुविधा। गुजरात चुनाव में इस बार 4.9 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे, जबकि 4,60,000 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। दिल्ली में गुजरात चुनाव पर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, CEC राजीव कुमार ने मोरबी हादसे पर जताया दुख।